हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। दिस इज अ प्रैक्टिस सीरीज जो कि हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आए हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर वन। दिस इज क्लास नंबर थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन DGS IP यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 ईयर्स। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको याद दिला दूँ कि इससे पहले हमारी क्लास नंबर वन क्लास नंबर टू ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे विद एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो देख लेना। वैसे मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा और इस प्लेलिस्ट में आपको सारी 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 क्लासेस जो है आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको फ्यूचर में सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से फटाफट से निकालना है। अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और सोचो, निकालो इसका आंसर क्या निकलेगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे आप लोग कमेंट करके बताना आफ्टर वॉचिंग क्लास। तो गाइज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आपको बताना है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। अब अगर आपने मेरी नंबर सीरीज वाली क्लासेस देख रखी हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था कि नंबर सीरीज और जो अल्फाबेट सीरीज होती है उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, कि यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगी है और किस तरीके से क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो निकलेगा। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं और उनमें जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में वहाँ पर एडिशन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब नंबर में है जो कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा होगा जिसके बीच में आपको गैप निकाल करके आंसर निकालना होगा। और अगर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है लेकिन नंबर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, जैसे 5 है, 5 के बाद 150, फिर उसके बाद 250, फिर 500, ऐसे गैप काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लाई होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में हम यहाँ पर डिफरेंस करके देखते हैं। तो देखेंगे आप 5 और -1 के बीच में अगर हम निकालेंगे डिफरेंस तो कैसे निकालोगे, 5 में से -1 करोगे -1 को तो ये कितना हो जाएगा, ये +1 मतलब ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 का गैप है, 5 और 15 के बीच में 10 का गैप है, ऐसे 15 29 के बीच में कितने का गैप है, आई थिंक 14 का गैप है ना, 9 में से 5 का 4 2, हाँ 14 का गैप है। अब नेक्स्ट नंबर हमें नहीं पता, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन नंबर्स के बीच में 4 4 का गैप आ रहा है ना। ऐसे नेक्स्ट नंबर में क्या होगा, 4 का गैप होगा, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 4 4 8 है ना, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा वो 29 और 18 को ऐड करके बनेगा, तो 29 में 18 को कर दो ऐड तो कितना हो जाएगा, ये आई थिंक हो जाएगा 47। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपका भी ऑप्शन नंबर सेकेंड ही जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला होगा। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है तो घबराए नहीं, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हो। तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म ICT इज और आर ट्रू। आपको बताना है कि ICT से रिलेटेड इसमें से कौन सा टर्म जो है वो सही है। गाइज ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ICT इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। क्या ये फुल फॉर्म सही है, ICT की फुल फॉर्म यही होती है क्या? नो, आई थिंक ये फुल फॉर्म इसकी नहीं होती है ना। इसकी फुल फॉर्म तो होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आई थिंक बच्चे बच्चे को पता है और बचपन से पता है। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट एग्जाम्पलीफाई ICT इंक्लूडिंग द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया थ्रू कॉमन केबलिंग सिस्टम। तो हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है कि जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है कंप्यूटिंग को लेकर के या फिर टेलीफोन ऑडियो विजुअल्स को लेकर के, वो सब ICT के अंदर ही आती हैं। तो यहाँ पर सही बात है, तो उसका मतलब क्यू जो है वो फॉलो करेगा और पी फॉलो नहीं कर रहा है, और दोनों फॉलो भी नहीं करेंगे और ये भी नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका आंसर निकालना है हमें। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों समझ में आ गया ना। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ना बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि इसका राइट आंसर ऐसा क्यों है। देखिएगा इस क्वेश्चन है, अ न्यू लैपटॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड दैट विल लेस इज स्मॉलर एंड यूज लेस पावर देन प्रीवियस लैपटॉप मॉडल्स। तो क्या मतलब है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज इन द अकम्प्लिश दिस।
क्वेश्चन है, एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है जिसका वजन कम है, काफी छोटा भी है और पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग भी करता है, मतलब हर तरीके से एडवांटेज है। तो ऐसा क्यों हुआ, किस तकनीक की वजह से हुआ, कौन सी नई टेक्नोलॉजी जो इसमें लगाई गई है? तो क्या इसमें यूनिवर्सल सीरियल बस का बस माउस का यूज़ किया गया, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज़ किया गया, फिर ब्लू रे ड्राइव का यूज़ किया गया, या फिर सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का यूज़ किया गया? तो गाइज अभी देखिए, एसएसडी जो है ना, एसएसडी जो है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है मार्केट में एज़ कम्पेयर विद अदर जो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो एसएसडी होती है ये काफ़ी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, ये वेट कम होता है इसका और ये काफ़ी स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर देती है, और सबसे अच्छी बात ये कि ये एनर्जी भी कम कंज्यूम करती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेट इज सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, इसका वजन कम होता है, यूज़ लेस पावर देन हार्ड डिस्क ड्राइव। तो पहले हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ करते थे, पहले HDD यूज़ होता था कंप्यूटर लैपटॉप में, और आज के टाइम पर SSD का यूज़ हो रहा है बड़े लेवल पे, और एज HDD के कंपेरिजन में थोड़ा सा महंगा है ये, लेकिन इसमें वेट कम होता है लैपटॉप का, कंप्यूटर का वेट कम हो जाएगा आपके, और सबसे अच्छी बात है कि पावर कम खाता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक बैटरी काम कर सकती है लैपटॉप की। तो ये जो है काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इससे स्पीड भी बढ़ जाती है क्योंकि डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ जाएगी। और सबसे अच्छी बात इसमें गाइज ये भी है कि इसकी जो मेमोरी है काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसमें जो डेटा आप सेव करोगे तो उसको वो काफ़ी रिलायबल होता है, मतलब डेटा लॉस होने के चांस नहीं रहते हैं। SSD एंड HDD आर सेम इन फिजिकल अपियरेंस, दिखने में ऊपर से लगभग लगभग सेम लगते हैं, बट द डेटा स्टोरेज हैंडलिंग इज डिफरेंट। HDD आर फाउंड टू बी हैवियर, कंज्यूम हाई एनर्जी देन SSD। SSD यूटिलाइज फ्लैश मेमोरी एंड डिलीवर एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि SSD काफ़ी ड्यूरेबल होती है, काफ़ी मजबूत होती है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देती है। HDD यूजुअली हैज़ मैग्नेटिक प्लेटर्स, जो पहले HDD हम यूज़ करते थे उसमें मैग्नेटिक जो है वो उसमें चिप लगी रहती थी, और स्पिंडलर्स देर आर इज दिस पॉसिबिलिटी इन लूजिंग लूजिंग इंपॉर्टेंट डेटा। तो उसमें जो डेटा लूज होने के चांस है ज़्यादा रहते थे बिकॉज केबल जो है करप्ट हो जाती थी। ऑन दी अदर हैंड SSD यूज NAND, काइंड ऑफ फ्लैश मेमोरी, इज कूलर, ठंडी होती है ये, मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा मजबूत है एंड कंज्यूम लेस एनर्जी। तो हर तरीके से जो है SSD बेटर है HDD की कंपैरिजन में, और सबसे अच्छी बात है कि स्पीड बहुत अच्छी आती है, मतलब मैं खुद के लैपटॉप में पहले HDD मैं यूज़ कर रहा था, इसमें जो लगी हुई थी, देन मैंने इसको चेंज करके SSD लगवा दी है, और अब जो है इसकी स्पीड काफ़ी भयंकर, बहुत ज़बरदस्त स्पीड चलती है लैपटॉप कंप्यूटर की। तो अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी स्लो है, आप इस स्लो वाली स्पीड से काफ़ी परेशान हो कि जो गोल 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 घूमता नहीं रहता जब आप ओपन करते हो, तो माउस जो है वो काम नहीं करता, माउस का कर्सर गोल 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 घूमता रहता है, तो वो अगर आप HDD को कन्वर्ट करवा लोगे SSD में तो वो बहुत स्पीड से काम करेगा, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो तो आप मार्केट में जा करके आप देख लेना, आई थिंक कुछ कुछ 3 से 4 हज़ार रुपये के आसपास लगेंगे शायद, है ना, एक बार इन चीज़ों को देख लेना। वैसे ये डिपेंड करता है कि कितनी आपको स्टोरेज की कितनी रिक्वायरमेंट है, छोटी स्टोरेज ज़्यादा स्टोरेज, है ना। ये देखिए कम स्टोरेज होगी SSD की तो फिर सस्ती होगी, ज़्यादा स्टोरेज की लोगे तो महंगी होगी। ये आपकी SSD की फोटो दिखा रहा हूँ मैं इमेज, और ये है आपकी HDD की इमेज, तो दिखने में साइज में लगभग सेम है, लेकिन ये कि जो इसके अंदर का जो सिस्टम है वो अलग तरीके से काम कर रहा है। इसमें फ्लैश मेमोरी होती है, इसमें मैग्नेटिक मेमोरी होती है, तो बस ये डिफरेंस है, और थोड़ा वेट में कम होती है SSD, HDD थोड़ी सी भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे आप बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, रीड ओनली मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। तो गाइज यहाँ पे सभी को बताऊंगा आई थिंक, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, मतलब ये 99.99% बता रहा हूँ मैं, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, या तो मेमोरी का साइज पूछ लेंगे, मेमोरी की स्पीड पूछ लेंगे, या कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मेमोरी से बनता ही बनता है। तो अच्छे से पढ़ लेना मेमोरी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो जो रोम होता है वो वॉलेटाइल नहीं होता, वो नॉन वॉलेटाइल होता है, तो ये नहीं हो सकता, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो भी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर, और जो क्यू है दैट दैट इज द राइट आंसर, रैम जो है आपका ये वॉलेटाइल होती है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड, क्यू ओनली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। आई होप आपका भी ये वाला आंसर निकला होगा। अब एक बार समझ लेते हैं फटाफट से जल्दी से, रीड ओनली मेमोरी जो होती है इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड यूज इन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाइड आफ्टर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेमोरी।
तो एक बार मेमोरी डिवाइस बन गई तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आपकी हार्डवेयर उसी तरीके से कंप्यूटिंग में यूज कर की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एप्लीकेशन प्रोग्रेस एंड डेटा इन करेंट यूज आर कैप्ट सो दैट दे कैन बी क्विकली रीच बाय द डिवाइस प्रोसेसर। तो जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज कर रहे हो, जैसे मैंने अभी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है, पीपीटी वगैरह ओपन करके रखी हुई है, तो ये जितनी भी चीजें मैं अभी कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, वो सब कुछ रैम में जो है वो चीजें चल रही हैं। तो जितना ज्यादा रैम होगा आपका कंप्यूटर और लैपटॉप उतना स्पीड से काम करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी बिकॉज उसकी मेमोरी ज्यादा है, वर्किंग मेमोरी अच्छी रहेगी ना। एक तरीके से आप ये मान लो कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मसल होते हैं ना, हाथों के अंदर जो आपके मसल होते हैं, ये हाथ है आपका और यहाँ पे आपके मसल्स हैं, तो ये मसल वाला काम करता है रैम, कि आप जितना अच्छे से आपके मसल बिल्ड होंगे उतने अच्छे से आप काम कर पाओगे, ज्यादा वजन उठा पाओगे। सो रैम इज द मेन मेमोरी इन कंप्यूटर, और कंप्यूटर की मेन मेमोरी यही होती है, इट इज वॉलेटाइल मेमोरी। तो गाइज याद रखिए रैम जो है आपकी एक वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इसके अलावा गाइज नेक्स्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी, तो जो सेकेंडरी मेमोरी उसको एज ए हम लोग बैकअप मेमोरी, एडिशनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी मतलब जो हेल्प करती है, जैसे हार्ड ड्राइव हो गई है ना, SSD हो गया, फ्लैश, ऑप्टिकल ड्राइव, USD ड्राइव, पेन पेन ड्राइव होती है आपकी, वो भी सबको जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये भी आपकी क्या होती है, ये भी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है गाइस, आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके बताया करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, तीन चार बच्चे कमेंट करेंगे, बाकी कोई कमेंट ही नहीं करता। लेक्चर्स कैसे लगते हैं आप लोग बताया करो ना, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग, आपको जब अच्छे लगते हैं तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, आप लोग कुछ वर्ड्स लिख दिया करो दो चार अच्छे अच्छे यार, है ना। तो आफ्टर वॉचिंग लेक्चर क्लास देखने के बाद एक दो वर्ड लिख ले देना अच्छे अच्छे जो भी आप फील करते हो क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग दी फॉलोइंग इज अ प्री सपोजिशन इन इंडक्टिव रीजनिंग। गाइस देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों ही जो टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों को। वैसे तो मैंने इसको पहले भी पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे भी, और क्रैश कोर्स में भी, दोनों में मैंने करवाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है इन चारों में बताना है कि क्या सही है। सो लॉ ऑफ आइडेंटिटी, प्रीजम्पशन, प्रीसपोजिशन का मतलब होता है पूर्व धारणा, पहले से जो है पहले से आप सपोज करके रखते हो। तो क्या सपोज करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, अनचेंजेबिलिटी इन नेचर, हार्मनी इन नेचर, या फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। तो गाइज यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्रकृति की एक रूपता इज द राइट आंसर। अब आपको अगर नहीं पता इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ में आपको डिडक्टिव भी बता देता हूँ। यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इज द राइट आंसर। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इट इज अ मेथड ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन बाय गोइंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल। याद रखना स्पेसिफिक से आप जनरल पे जाओगे तो उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं ना। इट्स यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिडक्टिव रीजनिंग, ये उसका जस्ट उल्टा होता है डिडक्टिव रीजनिंग का, वेर यू गो फ्रॉम जनरल टू इन स्पेसिफिक। और उस डिडक्टिव के केस में क्या करते हैं, हम जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं, तो जस्ट अपोजिट होता है। इंडक्टिव रीजनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक और बॉटम अप रीजनिंग। बॉटम अप रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, मतलब नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जैसे हम ऊपर से अगर नीचे आ रहे हो तो आपका क्या है, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। और नीचे का आपको कुछ मिल गया और उसको आप जनरलाइज करना चाहते हो, तो आपका अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो वो क्या कहलाएगा, बॉटम अप रीजनिंग, जिसको हम इंडक्टिव रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाए। सो यहाँ पर प्री सपोज करते हैं हम, दैट इज सिक्वेंस ऑफ इवेंट इन द नेचर विल अकर एज इट ऑलवेज हैज इन द पास्ट इज नॉन एज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को जो है ये पहले सपोज करके रखा होता है इस वाली थियोरी में, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, इफ देयर इज ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, अगर आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है इट विल लीड टू हैवी रेन, इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है और हो सकता है कि बाढ़ भी आ जाए, है ना। तो ये आप क्यों बता पा रहे हो, क्यों, क्योंकि इट शोज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सपोजिशन, प्रीवियस जो जो प्रीवियस इवेंट हुए हैं, वेयर ऑब्जर्वेशन ड्राइव्स द कंक्लूजन, जो आपने प्रीवियसली चीजों को समझा है, सीखा है, कि मैंने पिछले एक साल पहले जब मानसून का मौसम आया था तब काले बादल छाए थे तो बारिश हुई थी, और बारिश हुई थी तो बाढ़ आ गई थी। तो अगर पिछले साल ऐसा हुआ था तो इस साल भी ऐसा होगा, कि अगर काले बादल छाए भयंकर से तो इसका मतलब है बारिश होगी और चांस है कि बाढ़ भी आ जाए, है ना। ये सुनो, तो इसका मतलब है दिस इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, इसी को कहते हो आप यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, कि भाई अगर पहले ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा होगा। ये सुनो, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, शेर के सामने अगर हिरन आ जाए तो आपको क्या लगता है क्या होगा। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ये आंसर करेंगे कि सर शेर जो है वो हिरन को मार के खा जाएगा, है ना। आपको आपने ऐसा क्यों आंसर किया, बिकॉज ये इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, कि भाई ऐसा होता हुआ आया है हमेशा से तो अब भी ऐसा ही होगा। ये सुनो भाई, अगर हम ये देखें कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, मेहनत करने से एग्जाम आप पास कर जाओगे,
तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप भी एग्जाम पास कर जाओगे, दिस इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। तो अगर आप इस लॉ का जो है फायदा उठाना चाहते हो, इस लॉ के अंदर आप अपने आप को भी एज एन एग्जाम्पल डालना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका भी एग्जाम क्रैक हो जाए, है ना। तो बस ये चीजें मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया, सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब आपको करना क्या है, लेक्चर देखने के बाद कमेंट जरूर कर दिया करो, कमेंट करके बताओ क्लास आपको कैसी लगती है ना, और सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर किया करो, जिस भी ग्रुप में आप लोग हो अभी एट प्रेजेंट उन ग्रुप में शेयर किया करो लेक्चर्स को, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देखें, उनका भी भला हो। जैसे मैंने आज की क्लास में पढ़ाया गाइस, ऐसे ही मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है आप लोगों के लिए ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है। इसके लिए आप हमारी यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, एक तरीके से 500 रुपीज़ पर मंथ के अराउंड फीस लगेगी आपकी, अगर आप लेते हो 6 मंथ के अराउंड का जो कोर्स है, तो काफी नॉमिनल सी फीस है। यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्पेशली मैथमेटिकल रीजनिंग, रीजनिंग और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, जो ऐसे टॉपिक जो भी काफी टफ लगते हैं, मैंने इनको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे टेस्ट भी है यूनिट वाइज, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, तो ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है, हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है। यूजीसी नेट पेपर वन ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, कॉमर्स भी अवेलेबल हो चुका है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में कंटेंट है, ताकि आप दोनों ही जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इन क्लासेस को अटेंड कर सकें। एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है, 95 मॉक टेस्ट है और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी हैं, ताकि आप डाउनलोड करके उनको पढ़ सकें, बाद में प्रिंटआउट भी निकाल सकें, जैसे भी आपको बेहतर लगे। सो गाइस इस लेक्चर में इतना ही, फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा। सो गाइस फिर आज की इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।